देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। आइए महाप्रभु, आसन ग्रहण करें। नहीं देवराज, इस समय हम भूतनाथ भगवान शिव को ढूंढने निकले हैं, और जब तक उन्हें ढूंढ ना लेंगे हम बैठेंगे नहीं। बताओ देवराज, आपने कहीं भोलेनाथ को देखा है? नहीं महाप्रभु। अच्छा, तो हम चलते हैं। हे भोलेनाथ, कहाँ छिपे हैं आप? दर्शन दें प्रभु, दर्शन दें। नारायण नारायण। हे प्रभु, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। अरे नारद, तुम्हें कहीं भोलेनाथ दिखाई दिए? हे प्रभु, ये कैसी माया है? घट घट को जानने वाले आज अनजान बने जंगलों पहाड़ों में भटक रहे हैं। हमें प्रभु दिखाई नहीं दिए। हे प्रभु, हमने तो आपको पकड़ लिया, अब आपकी बारी है, आप हमें ढूंढ कर दिखाएं। ठीक है श्री हरि, जैसी आपकी इच्छा। क्या बताएं नारद, श्री हरि विष्णु ना जाने कहां छुप गए हैं।
उन्हीं का पता लगा रहा हूं। क्या तुम्हें कहीं दिखाई दिए हैं? नहीं प्रभु, मैं खुद उनके दर्शनों को तरस रहा हूं। महाराज की जय हो। कहिए मंत्री जी, क्या समाचार लाए हो? महाराज, आपके छोटे अनुज महाराज देवक के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। क्या कह रहे हो मंत्री? जी महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। महाराज, मगध देश से एक गुप्तचर आया है, उसे सम्मान सहित दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। मथुरा नरेश की जय हो। कहिए सैनिक, कैसे आना हुआ? मैं अपने महाराज मगध नरेश जरासंध का संदेश लाया हूँ महाराज। क्या संदेश है? सैनिक, मर्यादा में रहकर बात करो। अगर गुप्तचर को मारने का नियम होता तो अभी तेरे सर को कलम कर दिया जाता। महाराज, मैं तो जो इस पत्र में लिखा है वही कह रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें महाराज। जा।
चाहे जो हो जाए, अब कंस की मृत्यु मेरे हाथों से होगी। जब तक उसका वध न कर दूं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महाराज शांत हो जाएं। सबसे पहले अपने दुश्मन के बल को आजमाना चाहिए, कहीं वो हमसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं। तुम ठीक कहते हो मंत्री। ये सैनिक महाराज, अपने राज्य में एक पागल हाथी घुस आया है। उसे पकड़ने का साहस कोई नहीं कर पा रहा है। क्या पागल हाथी? हाथी कहां से आ गया? मैं समझ गया पिताश्री, ये हमारे दुश्मनों का फेंका हुआ जाल है। इच्छा रखने वाले महानुभावों, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? युवराज, हम पांच भाई हैं और हम मगध देश से आए हैं और आपसे लड़ने की इच्छा रखते हैं। अगर आप पांचों मुझसे युद्ध में हार गए तो आपको मेरे अधीन रहना होगा। हमें स्वीकार है युवराज। जय हो। कहिए सैनिक। मगध देश से एक सैनिक आया है महाराज, उसे सम्मान सहित राज दरबार में लाया जाए।
सैनिक, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप जाकर महाराज जरासंध से कहें कि विवाह की तैयारियां शुरू करें। जो आज्ञा महाराज। युवराज कंस के साथ साथ मैं अपने अनुज देवक की पुत्री देवकी का विवाह भी करना चाहता हूं। कुलगुरु गर्ग जी, आप बताइए, क्या देवकी के लिए कोई योग्यवर है? महाराज, देवकी के लिए वासुदेव ही योग्यवर है। इनके विवाह से ही मथुरा का कल्याण होगा। वासुदेव, हमारी बेटी बड़े नाजों से पली है, इसे हमेशा खुश रखना। महाराज, आप तनिक भी चिंता ना करें। आज आपको बहना की याद आ ही गई। पधारिए भैया, पधारिए। देवकी, मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूं। आप लोग शीघ्र तैयार होकर मेरे साथ मथुरा प्रस्थान करें। जो आज्ञा भैया। अरे कंस, मैं तो तुझे ज्ञानी समझता था, पर तू तो मूर्ख निकला। ऋषिवर, व्यंग ना करके जो कुछ कहना चाहते हैं साफ शब्दों में कहे। कंस, तू अपनी मौत अपने साथ लिए घूम रहा है।
क्या कह रहे हो ऋषिवर? क्या बात है युवराज, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बताएं वीरवर, चिंता का कारण ही कुछ ऐसा है। युवराज, आप कहें तो कोई हल मैं ढूंढूं। सैनिक जी, युवराज कहें क्या आज्ञा है? इसी समय देवकी और वासुदेव के कक्ष में जाएं और उन्हें बंदी बनाकर कारावास में डाल दें। जो आज्ञा महाराज। कर रहा हूं, आप नहीं चाहते कि आपका पुत्र जीवित रहे। ऐसे जीने से तो अच्छा है मर जाना। हे दुष्ट, मैं अभी सैनिकों को बुलाकर तुझे कारावास में डाल देता हूं। सैनिकों, पकड़ लो इस नीच पापी को। पिताश्री, राज्य सत्ता धर्म कर्म से नहीं बाहुबल से संभाली जाती है। सैनिक, महाराज को आदरपूर्वक कारावास में ले जाया जाए।
देखो वासुदेव, मैं तुम दोनों को बहुत प्रेम करता हूं और मुझे मालूम है कि देवकी के आठवें पुत्र से मेरी मृत्यु लिखी है और मैं अपने काल को अपने घर में पैदा नहीं होने दूंगा। अरे नीच पापी, ये तूने क्या किया? अपनी बहन के पुत्र को मार डाला। प्रभु प्रभु, ये कैसा दिन दिखा रहे हैं आप? पिताश्री, मैंने अपनी बहन के पुत्र को नहीं मारा, मैंने अपने काल को मारा है। अनर्थ हो गया। ऐसा क्या हो गया सैनिक? महाराज, देवकी का गर्भपात हो गया। मेरा काल भी मुझसे डरकर भाग रहा है। बस 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 एक पुत्र और, उसके बाद मुझे मारने वाला इस त्रिलोक में कोई नहीं होगा। तुझे मुझसे छीन के ले जाएगा। आप चिंता ना करें माता, मुझे मारने वाला तीनों लोग में कोई
कमी नहीं है, बस आपसे यही प्रार्थना है, मुझे आप किसी भी तरह से नंद बाबा के घर पहुंचा दें। स्वामी, अब देर न लगाओ, मेरे लाल को लेकर शीघ्र ही गोकुल के लिए प्रस्थान करो। दर्शन पाकर धन्य हो गई, धन्य हो गई धरती। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या खबर है? महाराज, देवकी ने 8वें संतान को जन्म दिया है। इसे मारकर मैं अमर हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु अब कभी नहीं हो सकती। कैसे हो सकता है? ऋषिवर ने तो कहा था कि तुझे मारने वाला देवकी के गर्भ से पैदा होगा, और फिर यह गोकुल में कैसे पैदा हो गया? यह सारा षड्यंत्र विष्णु का रचाया हुआ है। I'm
इतने वर्षों बाद आपने मुझे कैसे याद किया? कौन सी मुसीबत पड़ गई है कहिए। पूतना, तुम्हें इसी वक्त गोकुल जाना होगा। जी महाराज। और जितने भी छोटे शिशु पैदा हुए हैं उन्हें अपना जहर पिलाकर मारना होगा, समझ गई ना? जो आज्ञा महाराज। राक्षसी ना जाने मेरे पुत्र को कहां ले जाती। अच्छा ही हुआ कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ सैनिक? पूतना को उस शिशु ने मृत्यु के घाट उतार दिया महाराज। क्या कह रहे हो सैनिक? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। अब मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। बाबा नहीं, मेरा लाल तुम्हें देखकर डर जाएगा। माता, सारा जग तेरे लाल से डरता है, वो मुझे देखकर क्या डरेगा? बस बस एक बार अपने लाल का मुखड़ा दिखा दे, फिर मैं तेरे द्वार से चला जाऊंगा माता। ठीक है बाबा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अपने लाल को लेकर अभी आती हूँ। लाला,
तैने माटी खाई है? मैया, मैंने माटी नहीं खाई। खाई है? चल मुख खोल, खोल, दिखा। नहीं मैया, नहीं, मैंने माटी नहीं खाई। चलाने जाने दो, मत रोको मुझे, मत रोको मैया। ठीक है लल्ला, जब तू नहीं मानता तो जा, मैं तुझे अब नहीं रोकूंगी। दाऊ, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। जी माता। बकासुर प्रकट हो, बकासुर प्रकट हो, प्रकट हो। कहिए महाराज, कैसे याद किया इस दास को? बकासुर, इस समय कृष्ण को मारने का एक अच्छा मौका है। तुम शीघ्र जाओ और इसका वध कर दो। गजब हो गया। ऐसा क्या हो गया सैनिक? महाराज, वीर बकासुर मृत्यु को प्राप्त हो गया। महाराज, उन्हें एक ग्वाले ने मारा है। हाँ, मेरी हर बाजी उल्टी पड़ती है। एक एक करके मेरे योद्धा मारे जा रहे हैं। मारने से गेंद यमुना में गिरी है,
अब मैं ही उसे निकालूंगा। आप लोग चिंता ना करें, अभी निकाल कर लाता हूँ मैं उसे। क्यों अपनी मृत्यु को आवाज दे रहा है? बालक, मैं कहता हूं चला जा यहां से, चला जा। कालिया, परंतु आपको हमें एक वचन देना होगा। कैसा वचन स्वामी? काली दह को छोड़कर तुम कहीं और चले जाओ। जो आज्ञा स्वामी। मेरे लल्ला का वहां कौन ख्याल रखेगा? कौन इसे माखन खिलाएगा? कौन उसे लोरी गाकर सुनाएगा? कन्हैया, मेरा लाडला कन्हैया कैसे रहेगा वहां? मुझे भी अपने साथ ले चलो कन्हैया, मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रह सकता हूँ? नहीं सखा, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। लीला बहुत हो चुकी है, अब मुझे वहां धर्मयुद्ध लड़ना है। I'm
तुम पांचों मल्ल युद्ध में निपुण हो, आज कृष्ण बच के जाने ना पाए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। सावधान हो जा कृष्ण, आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों से होगी। किसकी मृत्यु किसके हाथ होगी मामा? ये तो समय ही बताएगा। तो आओ, अभी पता चल जाएगा कि किसकी भुजाओं में कितना दम है।